वसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। यह दिन बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक होता है। इसीलिए इस दिन श्रद्धालु गंगा माँ के साथ अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगा के आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आराधना करने से माता सरस्वती जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। वसंत पंचमी कथा। मान्यता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई। इसीलिए माँ सरस्वती के प्रकट होने के अवसर पर यह वसंत पंचमी मनाई जाती है। माँ सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती की कृपा से ही व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ विज्ञान, कला और संगीत में महारत हासिल करने का आशीष मिलता है। मुहूर्त। बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त इस बार 16 फरवरी को प्रातःकाल 3:36 पर प्रारंभ हो रहा है, जो 17 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 5:46 तक रहेगा। आपको बता दें कि पंचमी के मौके पर रेवती नक्षत्र में अमृत सिद्धि योग और रवि योग में माँ सरस्वती की पूजा होगी। बसंत पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त लगभग 6 का है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिसमें 11:41 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। माँ सरस्वती को यह चीज़ें ज़रूर अर्पित कीजिए। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने के दौरान उनको पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई या खीर ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा उनको केसर या पीले चंदन का टीका लगाए, पीले वस्त्र भी भेंट करें। आप सभी को फिर एक बार वसंत पंचमी की शुभकामनाएं।